हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। चलिए इसको चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं, जो सिक्स्थ चैप्टर जिसमें खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा था खिलाफत का क्या इशू था, किस तरीके से उसका डेवलपमेंट होता है। अब इसमें देखेंगे कि जो पीपल का रिस्पॉन्स था, कौन कौन से कम्युनिटी या फिर सेक्शन के लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं मिडिल क्लास। इस मूवमेंट में शुरू में तो मिडिल क्लास काफी इन्वॉल्व था और मिडिल क्लास ने ही इस मूवमेंट को लीड भी किया, लेकिन बाद में यानी कि लास्ट फेस में मिडिल क्लास का उतना पार्टिसिपेशन आपको देखने को नहीं मिलता है। इसका रीजन ये था क्योंकि कुछ जगह ऐसे थे जहां पर इलाइट पॉलिटिशियंस जो थे, यानी जो इलाइट क्लास यानी कि बड़े पावरफुल या फिर जो पैसे वाले लोग थे उस समय, या फिर जिनके पास पावर था, ये जो क्लास वाले लोग थे यानी कि लीडर जो थे, ये इसको लीड करने लगे। जैसे कि बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास या फिर हम बॉम्बे प्रेसिडेंसी, यहाँ पर इलाइट क्लास के पॉलिटिशियंस ने ही आपको ये मूवमेंट को लीड किया। और जैसा कि आपको ये भी देखने को मिलेगी, जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि जो सर्विस करते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, उनको अपनी जॉब छोड़नी होगी। तो यहाँ पर मिडिल क्लास का रिस्पॉन्स काफ़ी निराशाजनक रहता है, उतना सपोर्टिव नहीं रहता। ठीक है, तो इनिशियली पार्टिसिपेशन था मिडिल क्लास का, लेकिन बाद में धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगता है और इलाइट क्लास ही ज़्यादा इसको लीड करते हैं। इसके बाद देखते हैं बिजनेस क्लास। तो बिजनेस क्लास में भी दो कैटेगरी है, एक छोटे जो बिजनेस क्लास के लोग होते हैं, एक बड़े बिजनेसमैन जो होते हैं। तो छोटे बिजनेसमैन जो लोग थे, इन्होंने इस मूवमेंट को काफ़ी सपोर्ट किया क्योंकि उन्हें फ़ायदा मिला। फ़ायदा किस चीज़ से? स्वदेशी मूवमेंट से। अब जो फॉरेन कपड़े जलाए जा रहे थे, फॉरेन की जो सामानें थी, जो भी गुड्स थी, उन सबको जलाया जा रहा था। जो प्रिस्ट थे वो भी फॉरेन जो मटेरियल्स थे पूजा पाठ करने में यूज होते थे, उनको वो एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो इस वजह से ये जो छोटे कारोबारी थे, इन्होंने स्वदेशी यानी खुद से देश के अंदर ही चीज़ों को बनाकर बेचना शुरू किया। तो इस स्वदेशी मूवमेंट की वजह से इन्हें फायदा हो गया, तो इसलिए इसके सपोर्टर थे। लेकिन जो बड़े बिजनेसमैन थे वो इस मूवमेंट के सपोर्टर नहीं थे, क्योंकि उन्हें कहीं डर लगता था कि अगर हम इसका सपोर्ट करेंगे तो मेरे खुद के वर्कर जो हैं फैक्ट्री से निकल के मूवमेंट में शामिल हो जाएंगे, तो फिर मेरी फैक्ट्री चलेगी कैसे। ठीक है, तो इनका इनका अलग इशू था। तो मेनली यही चीज़ है कि जो बड़े बिजनेसमैन थे उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। इसके बाद देखेंगे पीजेंट। पीजेंट्स यानी कि फार्मर्स, इनका मैसिव पार्टिसिपेशन था, कोई शक नहीं इसमें। ठीक है, और साथ ही साथ इनका मेनली जो अगेंस्ट देखने को देख मिलेगा, ये लैंडलॉर्ड और जो ट्रेडर्स हुआ करते हैं ना, ये इनके खिलाफ ज़्यादा इनका मूवमेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स के बारे में पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। इन्होंने स्कूल और कॉलेजों को छोड़ दिया, जो गवर्नमेंट स्कूल और कॉलेजेस थी। इन्होंने जो देसी यानी कि जो नेशनल स्कूल कॉलेजेस थी, जिसको हमने यानी कि इंडियंस ने इस्टेब्लिश किया था, उसको ज्वाइन कर लिया। फिर इन्होंने पैरेलल पुलिस का भी काम किया एज अ जो कांग्रेस वॉलंटियर्स की तरह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स का काफ़ी पार्टिसिपेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद वीमेन की बात करेंगे, तो वीमेन का भी काफ़ी पार्टिसिपेशन था। वीमेन ने पर्दा जो सिस्टम हुआ करता था उसको छोड़ा, इन्होंने अपने ऑर्नामेंट्स यानी इनके जो आभूषण वगैरह जो होते थे, ज्वेलरी वगैरह होती थी, इनको इन्होंने बेच दिया तिलक फंड में पार्टिसिपेट ये उसमें देने के लिए। इसके बाद हिंदू मुस्लिम यूनिटी, तो पूरा पूरा खिलाफत और जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, ये हिंदू मुस्लिम यूनिटी पर ही बेस्ड था। इसमें आपको किसी भी तरीके कम्युनल वायलेंस देखने को नहीं मिलेगा। आप ये भी देखेंगे गांधी जी ने बहुत सारी जगहों पर, या फिर जो कांग्रेस के लीडर्स थे, उन्होंने बहुत सारी जगहों पर मुस्लिम कम्युनिटी को उन्होंने संबोधित भी किया। तो गांधी जी को अलाउ भी किया गया था कि मुस्लिम की कुछ ऐसी वहाँ पर सभाएं या फिर मीटिंग हुआ करती थी जिसमें केवल महिलाएं हुआ करती थी, तो पूरी महिलाओं को भी संबोधित या फिर उनको भाषण देने के लिए गांधी जी को अलाउ किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर यूनिटी में कोई शक नहीं था, खास करके आप देखेंगे 1857 के बाद, 1857 के बाद ये पहला ऐसा कॉन्टेक्स्ट आता है, टाइम आता है जब दोबारा आपको हिंदू मुस्लिम यूनिटी इस तरीके से बड़े लेवल पर देखने को मिलती है। अब गवर्नमेंट का रिस्पांस क्या था? मई 1921 यानी कि 1921 में गांधी और रीडिंग के बीच में बातचीत होती है। रीडिंग कौन थे? रीडिंग थे उस समय के इंडिया के वायसराय। तो रीडिंग के बीच में बातचीत होती है और रीडिंग ने यह कहा गांधी जी से कि आप अली ब्रदर्स को बोलिए, ठीक है, अली ब्रदर्स को बोलिए ताकि वो अपने जो उनके लेक्चर से है यानी कि जो उनके भाषण है उनमें वायलेंस टाइप के कुछ चीजों का यूज ना करें जिनसे वायलेंस पनपे या फिर वायलेंस हो। लेकिन इसका कुछ फर्क नहीं हुआ
ये टॉक फेल हो गया, इसके बाद देखेंगे कि गवर्नमेंट ने काफ़ी हैवली सप्रेस करना इस लोगों को शुरू किया, ठीक है, बट फेल्ड, व्हाट फेल्ड, ये टॉक फेल्ड हो गया, इसके बाद सप्रेशन स्टार्ट हो जाता है इंडियंस का। वॉलंटियर्स कॉर्प्स जो थे, यानी कि जो स्टूडेंट्स जो थे जो पैरेलल पुलिस की तरह काम करते थे, उनको बैन कर दिया गया। जो पब्लिक मीटिंग्स होती थी उनको बैन कर दिया गया। जो प्रेस होते थे उनको बैन कर दिया गया। ओके, और मोस्ट ऑफ द लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया। ये सब चीज़ था। इसके बाद ये सब सारा चलता रहा। अब लास्ट फेज जो आता है इस मूवमेंट का, नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट का जो लास्ट फेज आता है, इसमें क्या होता है कि 1921 में अहमदाबाद में सेशन होता है एक। इसमें क्या होता है कि पहले तो ये समझ लीजिए कि इसके प्रेसिडेंट कौन थे इस सेशन के, जो फॉर्मली, ठीक है, इसके जो प्रेसिडेंट थे वो सी आर दास थे। फॉर्मर प्रेसिडेंट जो थे वो सी आर दास थे, लेकिन सी आर दास उस समय जेल में थे। इसकी वजह से यहाँ पर एक और है जिनका नाम है हाकिम अजमल खान, जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है, जैसे अभी होता है ना हमारे, जैसे हमारे कंट्री में क्या हुआ, मान लीजिए जो एक्चुअल प्रेसिडेंट है अगर वो ना हो तो उनकी जगह पर एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करते हैं वाइस प्रेसिडेंट। तो उसी तरीके से सी आर दास जो थे यहाँ पर फॉर्मल प्रेसिडेंट थे, लेकिन ये जेल में थे, इस वजह से हकीम अजमल खान को एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया जाता है इस सेशन में। ओके, तो इसमें क्या किया गया, इसमें ये क्या कहा गया कि गांधी हैड बीन गिवन सोल अथॉरिटी ऑन द इशू, ऑन व्हाट इशू, ये इशू कि ये जो पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है और किस तरीके से गवर्नमेंट उसको सप्रेस कर रही है इस मूवमेंट को, अब हमें इस मूवमेंट को किस तरीके से आगे बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर बहुत से लोग थे, उनका ये कहना था कि गांधी जी को अब सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करना चाहिए और ये सारी की सारी अथॉरिटी दी गई गांधी जी को कि गांधी जी डिसाइड करेंगे कि सिविल जो डिसओबीडियंस मूवमेंट है ये किस तरीके से स्टार्ट होगा, या करना है या नहीं करना है, या कब करना है, ठीक है। तो गांधी जी ने 1 फरवरी 1922 में कहा कि आई विल स्टार्ट सिविल डिविजन मूवमेंट, बट यहाँ पर दो कंडीशंस अगर सरकार फुलफिल नहीं करती है तो, यानी कि यहाँ पर गांधी जी ने सरकार को धमकी दी, थ्रेटन तो गवर्नमेंट कि अगर आप मेरे ये दो कंडीशंस फुलफिल नहीं करेंगे तो मैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करूँगा। वो प्रोविजंस क्या थे, पहला चीज जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं जिनको आपने गिरफ्तार किया हुआ है, खास करके जो जो नॉन वायलेंस तरीके से मूवमेंट कर रहे थे उनको आप रिहा कीजिए, और दूसरी चीज जो आपने प्रेस पर ये बैन लगाया हुआ है या उनको कंट्रोल में लिया हुआ है उन पर से बैन हटाइए। ये दो कंडीशन अगर फुलफिल नहीं करेंगे आप तब हम सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा 1 फरवरी 1922 में। लेकिन ये सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट नहीं हो पाता है, क्यों, क्योंकि इसके पहले ही स्टार्ट हो ये, इससे पहले ही एक वायलेंस एक्टिविटी या फिर वायलेंस इंसिडेंट्स आपको देखने को मिलेगा जिसको हम चोरी चोरा इंसिडेंट्स के नाम से जानते हैं। ये चोरी चोरा ये गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट जो आज यूपी में है, उस समय उसको यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था, ठीक है। तो चोरी चोरा इंसिडेंट्स में क्या हुआ, यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे गवर्नमेंट सप्रेस कर रही थी इस मूवमेंट के अंतर्गत, इस मूवमेंट में, तो इससे कुछ क्रोधित लोगों ने तो उन्होंने क्या किया कि कुछ पुलिस वालों को मार दिया, और कैसे मारा, उन्होंने जला के उसे मार दिया। एक पुलिस चौकी थी उसमें उन्होंने आग लगा दिया जिसमें कुछ पुलिस वाले जल के मर गए। तो इसके वजह से, और इसी को हम चोरी चोरा इंसिडेंट्स कहते हैं, ठीक है। अब वायलेंस वहां पर इरप्ट हो गया, तो जहां पर वायलेंस हो गया फिर तो गांधी जी का जो एक आइडियोलॉजी थी ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस टाइप की, सत्याग्रही टाइप की, वो क्या होती है, वो हर्ट होती है। और गांधी जी को पता था कि अगर वायलेंस होगा तो गवर्नमेंट उसको आसानी से सप्रेस कर सकती है, वो बाय फोर्स करेगी, वो फोर्स का यूज करेगी, वो कर सकती है और आसानी से उसे सप्रेस कर देगी, इसलिए नॉन वायलेंस होना जरूरी है। यहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज होती हैं जिसकी वजह से गांधी जी को ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था ये वापस लेना पड़ता है। तो उन्होंने 5 फरवरी 1922 को ये जो मूवमेंट था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, इसको वापस ले लिया। अब इस गांधी जी के इस डिसीजन से बहुत लोग नाखुश हुए कि आपने क्यों लिया, आपको नहीं लेना चाहिए था। इसमें कुछ नाम है जैसे कि मोतीलाल नेहरू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, ठीक है, सी आर दास थे, इन्होंने गांधी जी को क्रिटिसाइज किया कि आपको ये मूवमेंट वापस नहीं लेना चाहिए था,
गांधी जी ने कहा कि वहाँ पर वायलेंट एक्टिविटीज होगी तो हम इसको शुरू ही नहीं कर सकते, फिर तो गवर्नमेंट आसानी से सप्रेस कर सकती है। इसी बीच में गांधी जी को अरेस्ट भी कर लिया गया और उन्हें 6 साल की जेल भी दे दी गई। कब अरेस्ट किया गया? मार्च 22 में, और उन्हें 6 साल की सजा हो गई। ठीक है, तो ये सब सारा चिट्ठा या लिखा चिट्ठा था खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का। इसमें थोड़े बहुत और टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है, चलिए छोटा सा टॉपिक और है कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस कैसे लिया। तो ये हम पहले ही देख चुके हैं कि चौरा चौरी, जो चौरी चौरा इंसिडेंट था, वायलेंट एक्टिविटी वहां पर हुई, जिसकी वजह से इनको वापस लेना पड़ा। अब जब वायलेंट एक्टिविटीज हो जाती है ना, तो कुड बी इजली सप्रेस बाई कॉलोनियल पावर, तो उसको आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। साथ ही साथ गांधी जी का ये सोचना था कि अभी लोगों ने मेथड ऑफ नॉन वायलेंस को सही तरीके से समझा ही नहीं है, अभी लोगों को पता नहीं है कि नॉन वायलेंस होता क्या है। अगर वायलेंस एक्टिविटीज होगी तो उसको आसानी से सप्रेस किया जा सकता है। तीसरा रीजन ये था कि गांधी जी का कहना था कि किसी भी मूवमेंट को लॉन्ग टर्म तक हाई नोट यानी कि हाई एनर्जी के साथ मेंटेन नहीं किया जा सकता है। अब ऐसा नहीं है कि एक मोमेंट को आप 2 से 3 सालों तक चलाए, अब उस मोमेंट में पार्टिसिपेट करने वाले लोग हैं, अगर वो 3 सालों तक मोमेंट में ही लगे रहेंगे, वो खाएंगे क्या? उनके बाकी की जो पारिवारिक जो नेसेसिटीज होती हैं, जरूरतें होती हैं, वो कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, तो इसलिए किसी भी मोमेंट को लंबे समय तक हाई नोट यानी कि हाई एनर्जी पर चलाना ये पॉसिबल ही नहीं है, लोगों को बीच में ब्रेक देना पड़ता है, इसलिए ये मूवमेंट वापस लिया गया। ठीक है, और रीजन क्या था कि गवर्नमेंट वाज नॉट इन द मूड ऑफ नेगोशिएशंस। इस समय भले ही आप देखेंगे रीडिंग के साथ जो वॉइस रहे थे उनके साथ टॉक हुआ था, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं रहा और गवर्नमेंट ने सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया। कोई गवर्नमेंट की दिलचस्पी नहीं थी नेगोशिएशन करने की या फिर इनके डिमांड्स को पूरा करने की। ठीक है, तो फिर आपको वापस लेना ही है, बस वही बात है कि लॉन्ग टर्म आप हाई पिच पर उससे नहीं ले जा सकते। ठीक, उसके बाद खिलाफत क्वेश्चन वाज डिसिपेटेड सून, खिलाफत जो इशू था वो धीरे धीरे खत्म होने लगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नवंबर 1922 में इस समय जो मुस्तफा कमाल पाशा थे टर्की में, इनके अंडर में यहाँ पर क्या होता है कि जो वहां पर ये जो किंग हुआ करते थे यानी कि जो सुल्तान जिनको कहा जाता था, उनको गद्दी से हटा दिया और इस तरीके से वहां पर सेकुलर स्टेट वो हो गया। अब जब सेकुलर स्टेट हो गया तो फिर रिलीजियस धर्म या फिर मुस्लिम धर्म की कोई बात नहीं थी। और फिर आप देखेंगे कि ये बाद में 1924 में जो कैलिफेट का पद होता था, जो खलीफा ही कहलाते थे, इस पद को भी खत्म कर दिया गया। तो टर्की में क्या था, ये जो खलीफा वाला इशू ही खत्म हो गया। जब खलीफा का इशू ही खत्म हो गया तो मुस्लिम कम्युनिटी जो इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रही थी, अब वो भी धीरे धीरे हट गई। तो फिर अब ज्यादा एनर्जी बची नहीं, तो अगेन ये भी रीजन रहा कि गांधी जी को वापस लेना पड़ा गया। ठीक है, तो ये कुछ रीजन थे जिनकी वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस लिया। इसके बाद इसका इवोल्यूशन देखते हैं, इवोल्यूशन ऑफ खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये सही था गलत था, या फिर इसने कौन कौन सी पॉजिटिव गेन्स मिले या फिर क्या इसमें निगेटिव चीजें हमें देखने को मिली। पहला चीज, ठीक है, अर्बन मुस्लिम तो खिलाफत इशू के कारण चाहे किसी भी वजह से, असल जो अर्बन मुस्लिम थे वो नेशनल मूवमेंट में इनका पार्टिसिपेशन देखने को मिला, लेकिन इसका ये तो इसका पॉजिटिव पॉइंट था। लेकिन इसका निगेटिव पॉइंट क्या था? इसका निगेटिव पॉइंट ये था कि इसने नेशनल पॉलिटिक्स को कम्युनलाइज कर दिया। इसके बाद आप देखेंगे कि मुस्लिम लीग जो था अंडर मोहम्मद अली जिन्ना, ये धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता जाता है, ये इनका ज्यादा फोकस मुस्लिम कम्युनिटी पर रहता है, इंडिया की फ्रीडम फाइटिंग पर नहीं रहता है, और धीरे धीरे ये अब अलग एक कंट्री की मांग करने लगते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ क्योंकि यहाँ पर इशू अलग था खिलाफत मूवमेंट का, मुस्लिम पार्टिसिपेशन जो हुआ वो नेशनल फाइटिंग के लिए, नेशनल मूवमेंट के लिए नहीं हुआ, वो उनका रिलीजियस मोटो था, तो कहीं ना कहीं इसने इंडियन पॉलिटिक्स या इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो था उसको कम्युनलाइज करने का भी कोशिश किया। इसके अलावा देखेंगे कि नेशनल लीडर्स फेल्ड टू राइज रिलीजियस पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एमोंग मुस्लिम्स टू अ लेवल ऑफ सेकुलर पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस। वही बात है,
ये मूवमेंट आखिर मुस्लिम कम्युनिटी ने पार्टिसिपेट क्यों किया, रिलीजियस रीजन की वजह से, और इंडियन ये जो लीडर्स थे ये फेल रहे इस चीज में कि ये जिस रिलीजियस इशू है इसको हम नेशनल इशू में बदल दें, इसको हम नेशनल फ्रीडम फाइटिंग इशू में बदल दें, नेशनल मूवमेंट में बदल दें, ये करने में ये लोग फेल हो गए। क्योंकि साफ पता चलता है ना, जैसे खिलाफत इशू खत्म हुआ मुस्लिम कम्युनिटी सीधा बाहर होगी मूवमेंट से। इसका मतलब यही था ना कि इन लोग ये लोग इसको इंटीग्रेट इंटीग्रेट नहीं कर पाए, मुस्लिम कम्युनिटी को एक सेकुलर लेवल पे नहीं ला पाए। उसके बाद देखेंगे कि अभी नेशनली जो ये नेशनलिज्म या फिर ये पूरा का पूरा मूवमेंट था पूरे कंट्री के हर कॉर्नर तक पहुंचा, सारे के सारे तबके के लोगों के यहाँ पर पार्टिसिपेशन देखने को मिलेगा, चाहे स्टूडेंट्स हो, चाहे वीमेन हो, चाहे पेजेंट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे मिडिल क्लास हो, ठीक है, हर पार्ट हर सेक्शन के लोगों ने पार्टिसिपेट किया। इसके बाद यहाँ पर कुछ भ्रम थे, यानी कुछ मिथ से इंडियंस के पास, वो भी टूटते हुए नजर आए। अब देखिए कॉलोनी रूल्स के लेकर लेकर दो मिथ्स हुआ करते, दो भ्रम हमारे अंदर थे जिनको हमने पाल रखा था। एक पहला भ्रम था कि दिस रूल वाल इन द इंटरेस्ट ऑफ इंडियंस, जैसे मॉडरेट्स कहते थे ना, मॉडरेट्स कहते थे कि ब्रिटेन के जो लोग हैं यहाँ पर हमारी भलाई के लिए ही है, लेकिन वो हमारी भलाई नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि इंडिया में कैसी सिचुएशन है। अगर उन्हें इंडिया की सिचुएशन के बारे में अच्छे से पता चल जाए तो हमारे भलाई के लिए काम करेंगे। ये एक मिथ था, और ये कैसे टूटा, अब मॉडरेट्स नहीं तोड़ा, उन्होंने जो इकोनॉमिकल क्रिटिक्स लाए जिसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ वाली थ्योरी थी, इसके अकॉर्डिंग उन्होंने बताया कि किस तरीके से पैसा हमारे यहाँ से ब्रिटेन में जा रहा है और हम गरीब पे गरीब होते जा रहे हैं और वो अमीर पे अमीर होते जा रहा है। तो मॉडरेट्स के इस इकोनॉमिक क्रिटिक थ्योरी यानी ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये पहला भ्रम तो टूट गया कि हमारे इंटरेस्ट के लिए नहीं है, ये अपने इंटरेस्ट के लिए है। दूसरी चीज, ऐसा हम मानते थे कि ये जो है क्या है, इनविंसिबल है, इसका मतलब ये अजेय है, यानी कि इनको हराया नहीं जा सकता, इनको जीता नहीं जा सकता। ये भी खत्म हो गया मास स्ट्रगल के थ्रू, हमने इतना मास स्ट्रगल किया, सत्याग्रह लाए, इसके वजह से हमें पता लगे, चाहे वो एंटी बंगाल पार्टीशन देखने को मिलेगा, होम रूल में बहुत ज्यादा सक्सेस नहीं था फिर भी ठीक ठाक था। उसके बाद आप देखेंगे कि गांधी जी ने जो तीन मूवमेंट स्टार्ट किए थे, जो चंपारण था, फिर आपको अहमदाबाद खेड़ा वाला, उसके बाद फिर एंटी रोलेक्ट एक्ट आया था, उसके बाद अभी आपने देखो जो खिलाफत है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, कहीं ना कहीं अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो अपने सेटबैक पर थी, यानी अपने वो बैड ये क्या कहते उसको बैकफुट पर थी। तो अब ये जो हमारी सोच थी कि हम उन्हें हरा नहीं सकते, ये भी अब धीरे धीरे खत्म हो गई, ये हमारा दोनों भ्रम टूट गया। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो इस मूवमेंट से आपको गेन हुई, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स और कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स, ठीक है, ये सब आंसर में लिखना है आपको। तो इस तरीके से चैप्टर कंप्लीट होता है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।